दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक की बात करेंगे वो स्टॉक है ACC। तो सवाल ये है कि मैंने आज इस स्टॉक को क्यों लिया है। लेकिन आगे जाने से पहले मैं सब लोगों को जो है नमस्कार बोलता हूँ, सत श्री अकाल बोलता हूँ, वनकम, गेम शो एंड जय श्री राम। दोस्तों, जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है एक्चुअली ACC। और जरा ACC को देख लेते हैं कि आज हमको ACC में जो है कहने के लिए क्या है, राइट? तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ACC के बारे में। ये स्टॉक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ जो है मैंने इसके फाइनेंशियल्स लिए हुए हैं मेरे पास, और ऑलरेडी ये जो फाइनेंस है, इसके जो फाइनेंशियल्स हैं, इसकी मेरे पास डिटेल्स मौजूद हैं जो कि मैं आपको दिखा दूँगा। सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं कि जो अभी जो Q4 गया है, इसके जो रिजल्ट्स आए थे वो 19 अप्रैल को आए थे रिजल्ट्स। जनवरी, फरवरी, मार्च का जो क्वार्टर था उसके 19 अप्रैल को रिजल्ट आए थे। तो इनकम थी, वो इनकम जो है क्वार्टर टू क्वार्टर जो इनकम है वो कोई खास उसमें बढ़त नहीं हुई, सिर्फ 5% ही बढ़ा है। और अगर मार्च 21 और मार्च 22 को देखें तो उसके अंदर जो ग्रोथ है वो सिर्फ 4% है। यानी कि सवाल ये है कि जो ACC का जो स्टॉक है उसने कोई बहुत अच्छी जो है परफॉर्मेंस नहीं दी है। जो नेट प्रॉफिट है दिसंबर क्वार्टर के अंदर वो 7% था, और जो मार्च क्वार्टर जो अभी गया है जनवरी फरवरी मार्च का, उसमें 9% है। तो इसके अंदर मार्जिनल इम्प्रूवमेंट है नेट प्रॉफिट मार्जिन की, ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर हम ईयर टू ईयर देखें तो ईयर टू ईयर जो है ना ये 12% से 9% है। तो ACC जो है ना इसकी जो ईयरली परफॉर्मेंस है वो कोई बहुत अच्छी नहीं रही है पिछले साल के अंदर। जो EBITDA मार्जिन है, परसेंटेज ऑफ EBITDA मार्जिन जो है वो दिसंबर क्वार्टर के अंदर और मार्च क्वार्टर में यानी कि Q3 Q4 में 14% रहा है, और ईयर टू ईयर के अंदर तो ये डी ग्रोथ में गया, दैट इज -14%। इसका ये मतलब है कि पिछले साल इस स्टॉक के अंदर जो है बहुत उठापटक हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरे पास ये सब फिगर्स हैं, इसकी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं ये इकोनॉमिक टाइम्स से मैंने ली हुई हैं फिगर्स, ये सब मेरे पास यहाँ पर इसकी डिटेल्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये EBIT मार्जिन और EBITDA मार्जिन, इक्विटी ये EBITDA मार्जिन वगैरह सब मेरे पास ऑलरेडी, मैंने इनको वर्कआउट कर लिया है, राइट? तो अब देख लेते हैं कि जो शेयर है ACC, मैंने इसको आज इसको लेने की वजह क्या रही। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ACC का शेयर है ना ये बहुत जोरों में गिर रहा है दो दिन से। रीजन सबसे बड़ा उसका, ACC के जो शेयर है उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो अल्ट्राटेक सीमेंट है, उस अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक बड़े लार्ज कैपेक्स की घोषणा करी है जो कि 12,886 करोड़ रुपए का है। शायद ये 2025 तक ये कैपेक्स जो है पूरा हो जाएगा। कैपेसिटी जो है इसकी बहुत जो है एनहेंस हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। इस वजह से पिछले दो दिन से या तीन दिन से जो शेयर्स हैं, जो पूरा का पूरा जो सीमेंट सेक्टर है वो सेक्टर ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरा है, सिर्फ अल्ट्राटेक सीमेंट की वजह से। चलिए थोड़े से इसकी जरा हिस्ट्री भी देख लेते हैं। ये जो ACC है ये 1936 के अंदर ये कंपनी फॉर्म हुई थी, सीमेंट सेक्टर की वेरी लार्ज कैप कंपनी है, इसको कौन नहीं जानता। आपके हमारे घरों में सब जगह इसका सीमेंट लगा हुआ है, शायद ही कोई ऐसा इंडिया में घर होगा जहां पर इसका सीमेंट नहीं रहा है। इसके जो रिजल्ट जो आए थे Q4 के, दैट इज जनवरी फरवरी मार्च 21-22 के रिजल्ट आए थे, वो 19 अप्रैल को आए थे। अब जो है अप्रैल मई जून के जो रिजल्ट हैं वो एक्सपेक्टेड हैं 29 जुलाई को, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको 29 जुलाई कर देता हूँ, आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट। इसके जो रिजल्ट्स हैं, चला गया है ये 19 जुलाई को इसके रिजल्ट्स आएंगे। आज हम छठवें महीने में बैठे हैं, हमारे पास करीब करीब सवा महीना है पैसे कमाने का, ठीक है? तो फ्रेंड्स जहाँ तक इसके वीकली चार्ट हैं, वीकली चार्ट तो ये बोल रहा है कि ये जो शेयर है ये शायद अभी और गिरेगा। कल भी देखिए जो गिरा है, जो पिछले वीक में जो है ना बहुत वॉल्यूम से ये गिरा है, ठीक है? और ये जो मैंने है जो ब्लू वाली है ये प्राइस लाइन है,
और ये जो नीचे की है ये मूविंग एवरेज जो है ये दो की मूविंग एवरेज है, जिसको मैंने यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं वीकली चार्ट विद द मूविंग एवरेज ऑफ टू। फ्रेंड्स, जब हम मूविंग एवरेज ऑफ टू लगाते हैं ना, इसका सबसे बड़ा जो इसका जो फायदा ये होता है कि हमको पता लग जाता है कि जो शेयर है उसके अंदर ऊपर चढ़ने की या नीचे गिरने की कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो इसको मैं जरा साइड में यहाँ पर करता हूँ और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर मैं इसका आपको कैंडलस्टिक चार्ट दिखाऊँ यहाँ पर, तो आपको पता लगेगा कि ये जो है पिछले दो हफ्ते से ये गिर रहा है, एक हफ्ता और ये दो हफ्ते से गिर रहा है ये स्टॉक। ठीक है, लिटरली 2260 ये 2267 से गिरता गिरता ये 21 हो गया, 10% 12% 11% गिर चुका है ये। वजह सिर्फ इसकी यही है कि इसका जो जो अल्ट्राटेक सीमेंट है उसने कैपेक्स का ऐलान किया है, इस सभी सीमेंट स्टॉक गिरे हुए हैं पिछले कुछ दिनों से। अब जरा इसका जो है हम वीकली चार्ट भी स्टडी करते हैं, जो इसका ये जो चार्ट है, जो देखिए क्या है, अभी आप इसको समझिए। लास्ट टाइम गिरा था तो दो बारी गिरा था, उसके बाद ये चढ़ना चालू हो गया था। ठीक है, उससे पहले ये एक दो तीन चार दिन गिरा, खैर इसका तो हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये बहुत पीछे की बात है। उस टाइम मार्केट ये जो यूक्रेन का चक्कर चल रहा था उस वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट ऑल सेट एंड डन इसका जो ये जो इसको वीकली चार्ट नहीं इसको हाँ ठीक है, इसको जरा एक साल का करके देखता हूँ कि एक साल के अंदर ये क्या बोल रहा है। जनरली ये जो गिरा है दो दिन तीन दिन गिरता है फिर ऊपर जाता है, फिर दो तीन दिन गिरता है, ये देखिए यहाँ दो तीन दिन गिरा फिर ऊपर चला गया, फिर गिरा फिर ये ऊपर चला गया, तो ये ऐसे ऐसे इसने बहुत उठा पटक करी है। और इसका जो मैक्सिमम जो ये गया है से रफली अबाउट 2600 तक। अब फ्रेंड्स हम इसको जो है इसी चार्ट को हम ये देख लेते हैं कि डेली बेसिस पे ये चार्ट हमको क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये डेली बेसिस पे इसको मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, इसकी जो पिछले 6 महीने के अंदर जो इसकी जो लिमिट है वो है 2400 तक, हालांकि जो इसका 52 वीक हाई है दैट इज 26। ठीक है, और अब अगर आप देखें तो ये जो इसका जो हम बोलते हैं कि हम हमेशा अप ट्रेंड के अंदर ही रहते हैं, तो अप ट्रेंड जो है ना इसने 2180 के ऊपर आके जो अपना अप ट्रेंड है उसको तोड़ दिया है, और ये जो कल यानी कि 3 मई को ये जो स्टॉक है ये 2133 के ऊपर बंद हुआ है। फ्रेंड्स, अब सवाल है कि ये स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है। देखिए हकीकत में तो ये स्टॉक जो है ना अगर मुझे जैसे मुझे समझ में आता है तो ये स्टॉक जो है ना ये गिर सकता है करीब करीब से यहाँ तक, ये स्टॉक बड़े आराम से गिर सकता है। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, ये 21 ये करीब करीब 2090 या समझ लीजिए 2100 तक ये स्टॉक गिर सकता है, यानी कि और स्टॉक ही 30 रुपये गिर सकता है। ठीक है, अगर आपको ये स्टॉक अगर 2100 के आसपास अगर आपको मिल जाए, ये क्लोज हुआ है 2133, अगर 2100 के ऊपर कल ही आपको स्टॉक मिल जाए तो मुझे लगता है इस स्टॉक को ज़रूर खरीद लेना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जो इसका RSI है अभी सिर्फ 39.17 है, बहुत लो है, एंड इवन इसका जो ये जो MACD है MACD इज़ -7.3। ये रेयरली साल में दो बारी आता होगा या तीन बारी आता होगा, लेकिन जब भी ये 2100 के ऊपर आएगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट खुलेगा वो खुलेगा 2300 रुपये, यानी कि यू विल गेट रफली 15% इन नेक्स्ट 1 month टाइम अप्रॉक्सीमेटली। और अगर ये 2600 तक चला गया तो आपको 24-25% मिल सकता है। नौ में एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ ये चाहता हूँ कि अगर इस क्वार्टर के अंदर उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं और स्टॉक इतना गिर गया है, अगर जो अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर है उसके अगर रिजल्ट अगर अच्छे आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2700-2800 तक भी पहुँच सकता है। तो हमारे पास जो है फ्रॉम 15% टू अबाउट 35-40% तक ऊपर जाने का चांस है। फ्रेंड्स, मैं कुछ दावा नहीं कर सकता, कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ कि वेदर इट विल हैपन और नॉट, लेकिन एक बात जरूर है कि पॉसिबिलिटी दिख रही है। अच्छा, स्टॉक इतना बड़ा है कि आप ये देख लीजिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये 1500 पे आ जाएगा या कंपनी बैठ जाएगी या कुछ हो जाएगा, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो ये स्टॉक है अभी अगर आप देखिए सब कुछ अगर ठीक रहा तो
तो ये स्टॉक है, गिरा है, मैंने इसको स्टॉक को अभी नहीं खरीदा है. आई मस्ट टेल यू दैट आई हैव नॉट परचेज द स्टॉक एज ऑफ नाउ. टुमारो दैट मीन्स ऑन नॉट टुमारो डे आफ्टर टुमारो आई विल 100% बाई दिस स्टॉक. और अगर मैं 2100 के ऊपर ये मेरे को मिल गया तो मैं खरीद लूँगा, नहीं तो जो भी 3:30 बजे जो भी क्लोजिंग प्राइस होगी उसके ऊपर मैं ये स्टॉक 100% खरीद लूँगा. पार्टली खरीदूंगा, पूरा नहीं खरीदूंगा, क्योंकि और गिरेगा तो नीचे तो और भी खरीद लूँगा, ठीक है ना. तो बस अब ये मैं 2100 का इंतजार कर रहा हूँ कि 2100 आई विल बाई दिस स्टॉक एंड कीप दिस स्टॉक विद मी एज पर द क्रॉस ओवर फ्रॉम हियर टू हियर. जैसे इसमें वो ऊपर वाला क्रॉस ओवर लगेगा वैसे ही मैं इसको बेचकर निकल जाऊंगा. फिर मैं सोचूंगा नहीं कि ये क्या है, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, री एंटर तो मैं कभी भी कर सकता हूँ. देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि देखिए, एक बार अगर आपसे गलती हो जाती है, से फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं कि साहब मैं स्टॉक मार्केट नहीं सीखूंगा एंड यू लूज मनी. इफ यू लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम इट कैन बी टर्म्ड एज ए मिस्टेक. बट इफ यू लूज अ सेकेंड टाइम ऑल्सो देन यू आर लूजिंग बाई डिसीजन, योर ओन डिसीजन. इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसी मेरी प्लेलिस्ट में भी हिंदी और इंग्लिश के अंदर जो है टेक्निकल एनालिसिस मैंने दिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज गो एंड रेफर दैट. 7-8 वीडियो हैं, देख लीजिए 4 बार उन वीडियोज़ को, यू विल ऑलवेज रिमेंबर मी लाइफ लॉन्ग. क्योंकि बिना सीखे ये जो है मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और इसलिए आपको शेयर मार्केट में हल्का फुल्का सीख लेना चाहिए. पूरी की पूरी जो ओशन ऑफ इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना पैसे कमाने के लिए ज़रूरी है उतना ही मैंने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस हिंदी और इंग्लिश में दिए हुए हैं, आप जाके सीख लीजिए. अब फ्रेंड्स वापस आते हैं, यहाँ पर हमने ये बात कर ली कि यहाँ जो इसका जो अप ट्रेंड है वो फिलहाल बीट हो गया है, और दूसरा हमने बात करी कि जो स्टॉक है फिलहाल 2080 के ऊपर है, लेकिन ये 2100 के ऊपर भी ये आ सकता है. अगर आपको 2100 के आसपास ये स्टॉक मिल जाए तो यू शुड बाई दिस स्टॉक. फिलहाल अगर आप देखें तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर है और ये काफ़ी वॉल्यूम से गिरा है, लेकिन इसका जो RSI है वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है, इसमें भी कोई शक नहीं है. और ये जो स्टॉक है फ्रेंड्स, ये जो ACC का जो स्टॉक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टॉक है ये पिछले ये यहाँ पर जो स्टॉक है ये कुछ कंसोलिडेट कर रहा है, और ये जो गिरा है ये सिर्फ न्यूज़ की वजह से गिरा है. चॉइस इज योर्स वेदर यू वॉन्ट टू buy it at 2100. और स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रहा हूँ, एक स्ट्रेटेजी तो ये है कि साहब जब ये क्रॉस लगे तभी आप इसको बाई कर लीजिए, तो हो सकता है आपको स्टॉक थोड़ा सा महंगा मिल जाए, ठीक है. अब हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो हमारा जो नेक्स्ट जो क्वार्टर आएगा, जो ये 19 जुलाई के आसपास जो रिजल्ट आएंगे अगले 1.5 महीने के अंदर करीब करीब, तो उस टाइम हमने पहले ही प्रिपरेशन करके रख लिया कि भाई हमको जो है से 15% से 35-40% अगर मिल जाता है तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है. बस मुझे आपको यही कहना है कि डिसीजन इज योर्स, और आप ये देख लीजिए कि मैंने अपनी तरफ से आपको जो है एडवांस में इंफॉर्मेशन दे दी है, सेफ स्टॉक है. फिर भी ये शेयर मार्केट है, कोई कुछ कह नहीं सकता कि इसके अंदर क्या होगा, ठीक है. और एक मैंने मॉडल बनाया है फ्रेंड्स अपना, और ये जो मेरा मॉडल है, नॉट दिस मॉडल, जस्ट वन मोमेंट प्लीज, एक सेकंड जरा देखिए. मैंने आपको वीडियो नंबर 394 में मैंने आपको जो सियाराम सिल्क मिल्स के बारे में बताया था, और उसके मैंने मेरी जो नॉर्मली जो मेरी जो इन्वेस्टमेंट रहती है पर शेयर वो 20,000 से 30,000 के बीच में रहती है. अप्रोक्सीमेटली मैंने 37 शेयर खरीदे हैं सियाराम मिल्स के 533 के ऊपर, ठीक है. अब जो है आई विल गो एज पर द क्रॉस ओवर, और जब भी मैं उसको बेचूंगा होपफुली मैं उसको जो है आपको अपडेट कर दूंगा कि मैंने जो है इसको कब बेचा है. लेकिन कोई ये मजबूरी नहीं है, मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं कि आप इसको खरीदिए, दिस इज़ योर चॉइस, ठीक है. मैं इस तरीके से एक्ट करता हूं, सिर्फ मैं इसी बात को आपको बताना चाहता हूं, ठीक है. तो फ्रेंड्स एक बार फिर मैं आप सबको नमस्ते बोलता हूं, बी विद मी एंड लेट अस सी इफ वी कैन अर्न इन द शेयर मार्केट. शेयर मार्केट में रिस्क है, इस बात का ध्यान रखिए, और आपका जो ब्रोकर है, अपने जो ब्रोकर है उसकी सलाह जो है आप हर हालत लेके रखिए, बिना उसके आप कभी भी एक्ट मत करिए, ठीक है.
सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।